कैसे हो दोस्तों, मैं आ गया आपके सामने एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है हमारे पेशाब में झाग आता है साहब, क्या करें। फोमी यूरिन, फ्रोदी यूरिन, पेशाब में झाग का आना नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, बस इसी पे बात करूँगा। और सुनो, नॉर्मल कारण क्या होता है झाग का आना। सबसे कॉमन कॉज है जब आप सुबह सुबह उठते हो, रात को पानी खूब पी लिया और सो गए और सुबह प्रेशर लगा होता है ना, और उठते ही आप टॉयलेट में जाते हो और जाते ही अपना शुरू हो जाते हो पूरी ताकत से, तन मन धन से, मुंह ऊपर करके। भाई साहब, उसमें जो रिलीफ मिलता है ना, ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलता। कितना बड़ा अंबानी हो, टाटा हो, सुसु पोटी करने के बाद जो रिलीफ मिलता है वो दुनिया में कहीं नहीं है। परम आनंद की अनुभूति होती है उस समय जब आप कर लेते हो। उस समय आपको कोई लाख रुपये भी देगा ना, आपको ना भाई पहले इसको कर लूँ। सच बात बता रहा हूँ। और जब आप प्रेशर से करते हो तो उसमें झाग बनता है, क्योंकि वो नीचे टकराता है, झाग बनने शुरू होते हैं। तो एक नॉर्मल चीज़ है, मोस्ट कॉमन कॉज भी ये झाग का, प्रेशर से, स्टीम से पेशाब का आना। धीरे धीरे करोगे तो शायद उतना ना आए। धीरे धीरे करता कौन है, मज़ा तो उसी में तेज़ी से करने में, क्या बात है। दूसरा कारण होता है अगर आप टॉयलेट क्लीनर को यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद भी रिएक्शन हो गई है ना, कोई साफ करने का आपने रिजेंट यूज़ किया तो उसमें भी अगर पेशाब टकराएगा तो भी झाग बनेगा। तीसरा नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ मैं, प्रेगनेंसी में झाग बन सकता है थोड़ा बहुत, तो ज़्यादा एक्सरसाइज आपने कर ली तो भी थोड़ा बहुत झाग आ सकता है, क्योंकि प्रोटीन थोड़ी लीक होती है उसमें। और बहुत ज़्यादा टेंशन, स्ट्रेस में भी ऐसा कई बार हो जाता है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो ऐसा कर देती हैं, कुछ बीपी की दवाइयाँ होती हैं, कुछ प्रोस्टेट की दवाइयाँ होती हैं, कुछ पेन किलर होते हैं जो हम यूरिन में देते हैं, पाइरिडियम नाम की एक दवाई होती है, वो ऐसा कर सकती है। ठीक है, अब बताता हूँ कि बीमारियाँ कौन सी हैं जिसकी वजह से पेशाब में झाग आता है, जहाँ हमें ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। नंबर वन, शुगर। शुगर जब अनकंट्रोल हो तो भी झाग आता है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए पेशाब में तो भी झाग आता है, और किडनी पे असर आना शुरू हो जाए तो भी झाग आता है। और ये झाग लगातार आता है, पूरा दिन आता है, कई महीनों तक आता रहता है। कभी कभार झाग आना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, सुबह थोड़ा बहुत आ गया फिर पूरा दिन नहीं आता तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगातार झाग का आना, साथ में बदबू भी होना, क्लाउडी हो जाना यूरिन का, मटमैला हो जाना, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। और आपके बॉडी में सूजन वूजन आ जाए तो किडनी को भी देखना होता है। किडनी डिसऑर्डर में भी ऐसा होता है, जब प्रोटीन निकलनी शुरू हो जाती है बॉडी के अंदर से तो उसको बोलते हैं प्रोटीन यूरिया। किडनी का असर आना यानी किडनी डिजीज़, रीनल फेल्योर, उसमें भी झाग आना शुरू हो जाता है शुरू की कंडीशंस में। और यूरिन इन्फेक्शन मैंने बताया, यूरिन पेशाब में अगर मवाद आ जाए, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए तो भी ऐसा होता है। और लास्ट में एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, वो होता है रिट्रोग्रेड इजेकुलेशन। एजेकुलेशन रिट्रोग्रेड मतलब आपका सीमन नीचे आने की जगह वापस ऊपर चला जाता है। जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो वो नीचे नहीं आता, निकलता नहीं है सीमन, सीमन वापस चला जाता है, छुट्टी पे चला जाता है वापस अपने घर, नाराज है बेचारा आपका सीमन। तो ड्राई ऑर्गेज्म होता है आप, तो इसमें हालांकि किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है इस कंडीशन में, लेकिन जिन लोगों को बच्चे पैदा करने हैं, इनफर्टिलिटी है, तो वहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। दूसरा, जिनको मज़ा नहीं आता सेक्सुअल इंटरकोर्स में क्योंकि सीमन ही निकला तो मज़ा नहीं आया आपको, तो ड्राई ऑर्गेज्म हो रहा है। अगर आपको ये चिंता सता रही है कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सारी मुसीबत ही मज़े की है यार, इस मज़े नहीं तो आधा तो बीमार दुनिया को मज़े नहीं करा है। सही बता रहा हूँ, मज़े ले लेके सब काम करो। तो ये है, और करना क्या है, देखो डॉक्टर के पास तभी जाना है जब मैंने आपको बताया कि अगर आपके कुछ किडनी डिजीज़ होने का कुछ चांस लग रहा है, या आपको शुगर बहुत अनकंट्रोल है, आपके हाथ पैरों में सूजन आ गई है, पेशाब आना भी कम हो गया है, तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। बहुत थकान फील कर रहे हो तो भी जाएं, और बीपी बहुत हाई रहता है तो भी जाएं, क्योंकि ये सब किडनी डिजीज़ के सिम्टम हो सकते हैं। और अपना यूरिन रूटीन टेस्ट कराएंगे, फिर यूरिन में 24 घंटे का पेशाब में प्रोटीन देखते हैं, और एक होता है एल्ब्यूमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, वो जरूर टेस्ट कराना चाहिए। 30 मिलीग्राम से कम होता है, अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम किडनी की हो सकती है। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, मेरे पेशाब में झाग आता है, तो कैसा लगा आपको टॉपिक। अब बात करता हूँ थोड़ा मस्ती की, मजाक। अरे मजाक नहीं करूँगा तो फिर मजा क्या आएगा, एक मिनट रुको, मजाक करने के लिए मुझे थोड़ा स्टाइल मारना पड़ता है यार, एक मिनट रुको, ऐसा नहीं। अबे हो जा, तो मैं आ गया वापस। थोड़ा सा मैंने कहा यार आज वैसे भी डॉक्टर नहीं लग रहा हूँ, नई शर्ट खरीदी है, पता नहीं सालों ने क्या लगा रखा है इसमें पीछे ये बवाल। तो अब बताता हूँ मैं, देखो पेशाब से रिलेटेड एक कॉमेडी है। होता क्या है, जब आप कोई पिक्चर देखने जाते हैं या मूवी देखने गए और साथ में, या मॉल में गए घूमने फिरने, अचानक आपको इंटरवल होता है तो आपको सुसु आ जाता है। अब आप जाते हो तो वहाँ पर 2-3 बने होते हैं और उसके पीछे 15-20 लोगों की लाइन लगी होती है, और हर एक आदमी के पीछे 2-2 खड़े होते हैं, करने वालों को भी डर लग रहा होता है क्या देख रहे हैं साले ये। तो कई बार तो हीन भावना में आ जाता है बेचारा करने वाला भी, उसको लगता है मेरा छोड़ो। तो वो जो पीछे खड़े होते हैं ना,
तो मैं कैसे पता लगाता हूँ कि कौन सा, अब होता क्या है जब तुम खाना खाने जाओ किसी रेस्टोरेंट में, वहाँ पे भी ऐसा ही होता है, अच्छे रेस्टोरेंट वाले तो बाहर ही खड़ा कर देते हैं, लाइन में लगा देते हैं, नाम लिख देते हैं भाई आपका वेटिंग है, बाहर ही खड़े रहो। लेकिन जो छोटे मोटे होटल होते हैं वहाँ क्या होता है, कई बार ऐसी जगहों पर जब मैं जाता हूँ हल्दीराम, ऐसी जगहों पर लोग ना आपके सिर पर खड़े हो जाते हैं कि ये टेबल खाली होने वाली है, ऐसे खड़े हो जाएंगे आपके आगे, दो इधर खड़े हैं दो इधर, आप खाना भी नहीं खा पाते, वो देखते रहेंगे किसकी प्लेटों में कम बचा है, बस ये जाने वाला है, अब ये बिल दे रहा है, है ना, सब निगाह में रखते हैं। तो ये तो हो गया वहाँ पे, अब यहाँ कैसे पता लगाएं कि सुसु पहले कौन करके जाएगा, है ना। तो मैं कैसे आइडिया लगाता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, दिमाग में चालू दिमाग है भाई साहब, तुम सोच भी नहीं सकते। जो तीन लोग खड़े हैं, अब यूरिन पास कर रहे हैं टॉयलेट में, है ना, अच्छा टॉयलेट का नाम साले रख देते हैं रेस्ट रूम, भाई पहले कहते थे कोई बाथरूम, फिर हो गया वॉशरूम, अब हो गया रेस्ट रूम। फाइव स्टार होटल में जाओ तो रेस्ट रूम लिखा होता है, अबे कौन सा वहाँ कोई रेस्ट करने जाता है, सुसु करने जाता है भाई, फालतू की बकवास करते हैं। तो मैं कैसे पता लगाता हूँ कि तीन लोगों जो सुसु कर रहे हैं इनमें पहले कौन निकलेगा, तो मैं उसी के पीछे कैसे खड़ा होता हूँ। जो आदमी ज़्यादा हिलना शुरू हो जाता है ना, मैं समझ जाता हूँ भाई इसका एंड आ गया, अब इसकी दो तीन बूंदें बची हैं, हिला हिला के अब निकाल रहा है और पेंट यूँ बंद करने वाला है। तो जो ज़्यादा हिल रहा होता आदमी, मैं समझ जाता हूँ भाई इसका नंबर लग गया, इसी के पीछे खड़े हो जाओ। कितनी काम की बात बताई भाई साहब, कितनी ज्ञान की बात बताई है आपको मैंने, क्योंकि सुसु जब आया होता है ना बड़ा तेज होता है, उधर पिक्चर निकल जाएगी, है ना, इधर सुसु इतना तेज आया आप रोक ही नहीं पा रहे। भाई साहब जो सुसु करने में जो आनंद आता है ना, परम आनंद, इसकी अनुभूति जो है दुनिया में कहीं नहीं होती, किसी ग्रंथ में पढ़ लो कहीं पढ़ लो, इस चीज़ में जो अनुभूति होती ना संसार की, मैं कहता हूँ सारी खुशियाँ एक तरफ, सुसु करना एक तरफ। ये मैंने पका दिया ज़्यादा, अब मैं जा रही हूँ भाई, इसको डॉक्टर नाम का हूँ, चलो मिलता हूँ फिर एक नए टॉपिक के साथ, होगी बहुत कॉमेडी, आपका अपना डॉक्टर, और इसको सब्सक्राइब करें और मुझे आगे लेके चले, रहुआ बहुत आभारी लागे आपका, रहुआ लॉगिन देखते रहिए और हमका भोजपुरी स्टार मत बनाइए, इसको सब्सक्राइब करिए, बाय। अबे बंद नहीं हो रहा, बताओ।